हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना गणेश बाबू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। हमारी फिल्म ससुरा जिंदाबाद की ट्रेलर रिलीज़ हो गई है, जो काफ़ी दर्शकों को पसंद आ रहा है, मुझे भी बहुत पसंद आई है। और इस फिल्म का सबसे ख़ास बात यह है कि इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, गाने इतने अच्छे हैं कि मेरे भी दिल छू लेते हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने हैं फिल्म के। और ट्रेलर बहुत ही सुंदर लग रहा है सभी को, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि बिंदास भोजपुरिया ये एक अपने आप में ब्रांड है, और मैं आज इन ब्रांड के साथ आपके सामने आया हूँ, तो मुझे बहुत बेहद खुशी है कि मैं आज बिंदास भोजपुरिया के साथ आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ मेरे ट्रेलर देखने का। गणेश भाई, किस चैनल से आपका ट्रेलर आया बताइए। मेरा ट्रेलर आया है NF नायक फिल्म के चैनल से, हमारी ट्रेलर आई है ससुरा जिंदाबाद की। जी, फिल्म के बारे में बताइए, कौन कौन लोग हैं। पहले तो मैं बताऊं कि शुभी जी हैं, अवधेश जी हैं, किरण जी हैं, संजय महानंद, आनंद मोहन, प्रकाश जैस और मैं भी हूँ। फिल्म की कहानी अगर मैं पूछूं तो आप ये कहेंगे कि शायद कहानी नहीं बता सकता, लेकिन ट्रेलर से तो ये अंदाजा हो गया है कि ये भी एक पारिवारिक फिल्म है और परिवार के रिश्तों से ही आसपास जुड़ी हुई कहानी है। एग्जैक्ट एकदम पारिवारिक फिल्म है, और मैं पारिवारिक फिल्म ही पसंद करता हूँ, इसलिए मैं दर्शकों को भी कहता हूँ कि पारिवारिक फिल्म ही दर्शक को भी पसंद आते हैं। जितने भी पुराने टाइम पे भी पारिवारिक फिल्म ही अच्छे लगते थे दर्शकों को, तो एक साफ़ सुथरी फिल्म बनानी बहुत ही अच्छी बात है, और पारिवारिक फिल्म हो तो वो और बहुत अच्छी बात है। जी गणेश भाई, आपको कलाकारों के साथ काम करने का कैसा अनुभव था? बेसिकली आपकी जो हीरोइन है शुभी शर्मा, उनके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छी एक्टर हैं वो, और मैं उनके साथ काम किया, मुझे काफ़ी सपोर्ट की उन्होंने, और बहुत ही अच्छी एक्टर है वो। जी, अवधेश मिश्रा साहब जैसे बड़े लीजेंड हैं इस फिल्म में, संजय महानंद है। बिल्कुल सही बात है, अवधेश जी एक अपने आप में एक लीजेंड है और बहुत ही अच्छे कलाकार भी माने जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, तो मैं उनके साथ काम किया ये मेरा गर्व है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं उनके साथ काम किया, मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया मुझे और बड़ा मजा आया काम करके उनके साथ। जी, फिल्म में आपके कितने गाने हैं गणेश बाबू, और आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? गाऊंगा नहीं अभी पर मैं आपको बता देता हूँ, फिल्म में गाने 7 हैं, और मेरा जो पसंदीदा गाना है वो हमेशा रोमांटिक रहा है, और रोमांटिक गाना ही मैं पसंद करता हूँ। गणेश बाबू, अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में यही बताना चाहता हूँ कि मैं कोलकाता से हूँ, और वहाँ पे मेरी 2 फिल्में एज अ रिलीज़ हैं, और भी फिल्में किया हूँ मैंने, बट भोजपुरी में मुझे आने का एक अलग ही चाहत है, और भोजपुरी ऑडियंस से मिलने का, उनसे जुड़ने का बड़ा ही दिल का कनेक्शन है, और मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी ऑडियंस मेरी जो कंटेंट होती हैं फिल्मों की, मैंने और भी 2 फिल्में किया उनकी भी कंटेंट, और ये भी जो अभी ससुरा जिंदाबाद आई है इसकी भी कंटेंट, तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक ने हमें वहाँ भी प्यार दिया है, और उम्मीद करता हूँ यहाँ भी बहुत प्यार मिलेगा मुझे। जी गणेश बाबू, बेसिकली फिल्मों में जो आने का सफ़र था वो आसान था, मुश्किल था, या बहुत ज़्यादा मुश्किल था? मैं ये कहूँगा कि मुश्किल तो बहुत था, पर मुश्किल को आसान बना के मैं अपने आप को यहाँ पे ले आया हूँ। जी, सिनेमा इंडस्ट्री में किसे आदर्श मानते हैं गणेश बाबू, अपना कोई पर्टिकुलर स्टार जिसे अपना आदर्श मानते हैं या आइकन मानते हैं? जी जरूर, पहले मैं राजेश खन्ना जी का फैन था, उसके बाद मैं अगर फैन हुआ हूँ तो गोविंदा जी का। अरे वाह, गोविंदा ने तो अपने करियर में ज्यादातर फिल्में जो है वो कॉमेडी की फिल्में की, लेकिन आप तो अलग किस्म की फिल्में करते हैं। जरूर, देखिए उनके डांस मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं डांस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, और गोविंदा जी कॉमेडी भी करते हैं तो बड़ा अलग करते हैं, और सीरियस भी करते हैं तो बड़ा अलग करते हैं, तो गोविंदा जी को मैं पसंद करता हूँ, उनको आइडल मानता हूँ, बट उनके डांस को मैं काफ़ी ज़्यादा अपने में लेता हूँ। तो क्या कोई डांस पर आधारित फिल्म भी कर सकते हैं गणेश बाबू? हाँ ज़रूर। अच्छा, भोजपुरी सिनेमा में आपको किसका डांस सबसे अच्छा लगता है, किस एक्टर का डांस सबसे अच्छा लगता है? भोजपुरी फिल्म में
एक्टर या एक्ट्रेस? एक्टर की। एक्टर की। भोजपुरी में एक्टर में मुझे निरोवा जी का डांस काफ़ी अच्छा लगता है, और उसके बाद खेसारी जी हैं, उनका भी बहुत ही अच्छा डांस लगता है मुझे। फिल्म में जो आपकी हीरोइन है शुभी शर्मा जी, वो भी बहुत ही शानदार डांसर है। right. आपको जरूर महसूस होगी। राइट राइट राइट, मैं उनके साथ काम करके मुझे ये बात बिल्कुल महसूस हुई कि वो एक बहुत ही अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छे। जी, तो अब और कोई प्रोजेक्ट है जो आपका है जो ससुराल जिंदाबाद के बाद आने वाला हो? हाँ, और भी दो दो प्रोजेक्ट हैं हमारे जो बहुत जल्द, इनके बाद ही मतलब इसी साल एक और है, और शायद कमिंग ईयर में भी एक है अपने, दो फिल्में। कब तक ये फिल्म आपकी जो है ससुराल जिंदाबाद ये थिएटर्स में आ सकती है? ये थिएटर्स में 11 नवंबर 2022 बिहार और झारखंड रिलीज हो रही है थिएटर में। एक्साइटेड तो आप बहुत होंगे? जी 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 जी, मेहनत जब बाहर आती है तो एक्साइटेड होना ही पड़ता है, और हमने क्या मेहनत किया है, ये एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ मैं कि फिल्म जब थिएटर पे आएगी ऑडियंस को कैसे लगेंगे, ऑडियंस का रिव्यू क्या रहेगा। ट्रेलर को लेकर अभी तो फिलहाल ट्रेलर आया है, फिल्म का इंतजार हो रहा है, ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप, कोई मैसेज है आपके पास दर्शकों के लिए? जी ज़रूर ज़रूर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हॉल से दूर ना जाएं, थिएटरों से दूर ना जाएं, आप लोग थिएटर में आए, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके पसंदीदा कंटेंट देने की, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आप जिस तरह से कंटेंट मांगते हो, आप डिमांड करते हो, हम लोग उसी तरह का कंटेंट बना के आपको पेश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग थिएटर से दूर ना जाएं, आप लोग थिएटर आएं और फिल्में देखें, क्योंकि आप लोग फिल्में देखेंगे तो हम लोग को बनाने में और मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा काम करने में। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू।